हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। TOC की इस वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस कर रहा हूँ NFA के बारे में, और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं NFA के ऊपर किस तरीके के प्रॉब्लम जो है वो सेट किए जा सकते हैं गेट में। तो आज मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इस तरीके के प्रॉब्लम जो है वो गेट में आ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिकी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा जो NFA के रूल्स है उसको साइड में रख के जो है प्रॉब्लम्स ये बनाए हैं। जैसे NFA के रूल्स में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया था कि जैसे NFA का कॉम्प्लीमेंट में कभी नहीं ले सकता, इट मींस जो कॉम्प्लीमेंट का रूल मेरा DFA में था, लाइक फाइनल्स को नॉन फाइनल कर दीजिए, फाइनल को नॉन फाइनल कर दीजिए, नॉन फाइनल को फाइनल कर दीजिए, ये ही रूल मैं DFA में कॉम्प्लीमेंट करते वक्त यूज करता था। इट मींस मेरा लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट हो जाता था, जो लैंग्वेज मेरा DFA एक्सेप्ट करता था आफ्टर द कॉम्प्लीमेंशन, वही लैंग्वेज छोड़ के बाकी सारी जो स्ट्रिंग्स है वो एक्सेप्ट कर ले रहा था, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट हो रहा था। बट NFA का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये एट दैट टाइम भी मैंने ये डिस्कस किया था पॉइंट कि NFA का जो है वो कॉम्प्लीमेंट डिस्कस नहीं करता। इट मींस अगर मैं NFA का कॉम्प्लीमेंट लेता भी हूँ, लाइक फाइनल को नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल को फाइनल भी कर देता हूँ मैं, स्टिल मेरे जो लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है L, उसका अगर मैं L डैश लेता हूँ तो वो जो रिलेशन है L और L डैश का वो मेरे सेटिस्फाई नहीं करेंगे कंडीशंस। कंडीशन किस तरीके से थी, जैसे L यूनियन L डैश गिव्स सिग्मा स्टार, मीन्स यूनिवर्सल लैंग्वेज, बट ये NFA के केस में ट्रू नहीं होगा। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो इसी तरीके के कुछ रूल्स को जो है सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, वही मुझे जज करना है। तो गाइज देखते हैं आज का प्रॉब्लम। बट बहरहाल उसके पहले, अगर आप लोग इस वीडियो सीरीज को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी मेरे आने वाले लेक्चर्स है TOC के काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत अपन डीप में जा रहे हैं, तो ये जो लेक्चर्स है ये इनका डायरेक्ट नोटिफिकेशन जो है आपके मेल पे मिलेगा। नाउ देखते हैं गाइज आज का प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखा गया है कंसीडर द NFA M गिवन बिलो। NFA को M बोला गया है, कंफ्यूज मत होइएगा, नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये NFA है, दिख ही रहा है मुझे NFA है, क्योंकि यहाँ पे A का 1 है 0 निकला है, B का 0 एंड 1 निकला हुआ है ये, देन B का अगेन सॉरी 0 एंड 1 निकला है, देन C का 0 एंड 1 एंड C का 0 एंड 1, यानी दो बार 0 एंड 1 निकला है। इट मींस ये NFA है, ओके, क्योंकि DFA की तो डेफिनेशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नाउ गाइस बोला गया है लेट M डैश, मींस ये M है तो M डैश मुझे लेना है, बी द NFA, M डैश भी मेरा NFA ही रहेगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम M, मींस इससे ही मुझे ऑब्टेन करना है, बाय इंटरचेंजिंग फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट। इंटरचेंज करना है फाइनल एंड नॉन फाइनल, मीन जितने भी फाइनल हो गए वो नॉन फाइनल हो जाएंगे, फाइनल नॉन फाइनल जो है वो फाइनल हो जाएगी, ठीक है। लेट L एंड L डैश बी द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय M एंड M डैश, मीन्स लाइक L अगर ये M जो मेरा NFA है वो एक्सेप्ट कर रहा है तो M डैश जो है वो L डैश एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, यही बोलना है रिस्पेक्टिवली। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देन उन्होंने बोला गया है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट कौन से ट्रू हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने जो बोला गया है वो हम परफॉर्म कर लेते हैं, लाइक उन्होंने बोला गया है कि M डैश आपको ऑब्टेन करना है, तो मैं M डैश यहाँ पे निकाल ले रहा हूं। M डैश किस तरीके से, और फाइनल नॉन फाइनल कर देना है, मीन्स फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल कर देना है, तो मैं यहाँ पे एक M डैश ऑब्टेन कर ले रहा हूं, मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूं। ये मेरी डायग्राम मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, आप देखिए कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फाइनल और नॉन फाइनल को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाल ली है, सिर्फ इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स कर लिया है, मीन्स लाइक जितने भी नॉन फाइनल थे उनको मैंने फाइनल कर दिया, और फाइनल जो थी उसको नॉन फाइनल कर दिया। नाउ गाइस मुझे इंटरफेरेंस निकालना है, मीन्स कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है वो फॉल्स है वो मुझे देखना है। देखिए NFA का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, दैट्स व्हाई DFA के जो रूल्स हमने देखे थे वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो गए, ऐसा नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेना है, ठीक है। हाँ मैंने मेथड वही फॉलो की है जो मुझे बोला गया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है।
नाउ गाइस इसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट समझने की हम कोशिश कर लेते हैं कि किस तरीके से ये रूल्स जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, एल इज इक्वल्स टू एल डैश, ठीक है ना, मींस ये एल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा होगा तो ये जो एल डैश एक्सेप्ट कर रहा है वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं सेम है या नहीं। देखिए यहाँ पे जो है सिंगल वन भी एक्सेप्ट हो रहा है बट यहाँ पे सिंगल वन एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ठीक है ना, मींस एल और एल डैश जो है वो एक्सेप्ट सेम तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, आप लोगों को ये जो है ना ये थोड़ा सा कुछ स्ट्रिंग्स लेके ही देखना पड़ेगा कि ये सही सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है सिंपली कि सिंगल वन जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है बट यहाँ पे सिंगल वन एक्सेप्ट हो रहा है क्या, नहीं। अगर जीरो देंगे तो ओनली मैं फाइनल पे जा सकता हूँ, ठीक है, ये तो इनकमिंग एरो है। और एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी, ये जो सी जो है ना ये अनरीचेबल है गाइस, मींस लाइक अगर आप स्टार्टिंग स्टेट से सी पे जाना चाहते हो तो आप जा नहीं सकते, मींस ये जो सी है ना ये यूजलेस स्टेट है बेसिकली। अगर आप इसको ड्रॉ भी नहीं करते हो तो चल जाएगा क्योंकि उसका कोई काम भी नहीं है, ना ही वो अपने एनएफए में जो है वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आप ये सी को जो है इग्नोर कर सकते हो, बट बहरहाल मैंने निकाल के रख दिया है बट आपको सी का जो जरूरत तो पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे L और L डैश किस तरीके से फॉलो हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जो L और L डैश कर सके क्योंकि L इज द डिफरेंट L डैश इज द डिफरेंट। ठीक है ना, नाउ गाइस देखते हैं सेकंड, L इज द सबसेट ऑफ L डैश। देखिए L की जो भी लैंग्वेज है वो L डैश ने एक्सेप्ट कर देनी चाहिए, मीन्स M डैश ने जो है एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, देन ओनली क्या बोलेगा L इज सबसेट ऑफ L डैश। बट मैंने देखा है कि सिंगल वन अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो सिंगल वन यहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मींस एल जो है वो सबसेट नहीं हो सकता एल डैश का क्योंकि ये जो डायग्राम है ये किसको एक्सेप्ट कर रही है एल डैश को, ये जो डायग्राम है ये किसको एक्सेप्ट कर रही है एल को, यानी इसकी सारी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, देन ओनली मैं बोल सकता हूँ कि एल इज द सबसेट ऑफ एल डैश। तो दैट्स व्हाई गाइस इसकी तो सारी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है क्योंकि मैंने एक ही स्ट्रिंग देख ली है कि सिंगल वन भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे सिंगल वन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये भी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है, नाउ गाइस थर्ड स्टेटमेंट पे जाते हैं, एल डैश इज द सबसेट ऑफ एल। ठीक है, तो एल डैश की जितनी भी लैंग्वेज है वो सारी इसने एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो एल डैश की मैं एक लैंग्वेज ले रहा हूं, लाइक अगर कोई लैंग्वेज में लेता हूं 10 जो है एल डैश की लैंग्वेज है जो कि एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं 10 एक्सेप्ट होता है कि नहीं, 10 ये नॉन फाइनल जा रहा है गाइस, 10 यहां पे एक्सेप्ट हो रहा है, 10 यहां पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इट मींस जो लैंग्वेज इसने एक्सेप्ट कर ली इसने वो रिजेक्ट कर दी। तो कहने से एल डैश इज नॉट अ सबसेट ऑफ एल हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, दैट्स व्हाई ये भी जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, देखिए डायरेक्टली रूल्स मत अप्लाई कीजिएगा जो डीएफए के थे क्योंकि यहाँ पे एनएफए का कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है और एनएफए का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स व्हाई वही जो रूल्स मैंने पढ़े थे वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो गए, ऐसे नहीं है। ठीक है, नाउ गाइस फोर्थ वाला देखते हैं, एल इंटरसेक्शन एल डैश गिव्स फाइव। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एल इंटरसेक्शन एल डैश गिव्स फाइव होता है या नहीं, मींस लाइक ये जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है वो ये जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है और इन जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है इसमें कोई भी कॉमन नहीं होनी चाहिए, मींस कोई एक सिंगल स्ट्रिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि कॉमन हो। ठीक है, तो आपको मैं इसका एक सिंपल वे बता देता हूं कि जब भी इस तरीके से मुझे कुछ करना है मीन्स लाइक कॉमन निकालना है कि कोई एक हाथ स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट हो रही है या नहीं, तो बेटर है कि ये सब डायग्राम को जो भी अननेसेसरीली स्टेप्स है उसको आप रिमूव कर दीजिए ताकि आप लोगों को आसान हो जाए कौन सी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। देखिए सी को यहाँ पे कोई भी जो है इसमें रोल नहीं है इस पूरे डायग्राम में, अगर आप देखते होंगे तो सी जो है ये आउटगोइंग एरो है, मैं अगर स्टार्टिंग स्टेट से सी पे नहीं पहुंच पा रहा हूं इट मींस सी मेरा यूजलेस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सिंपली सी को रिमूव कर दे रहा हूँ जस्ट कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज सी को रिमूव नहीं भी किया तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट सिर्फ कंफ्यूजन ना हो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे सी को रिमूव कर दे रहा हूँ, दोनों डायग्राम से सी को रिमूव कर दे रहा हूँ क्योंकि उसका कोई भी यूज नहीं हो रहा। अगर जो स्टेट स्टार्टिंग स्टेट से अनरीचेबल है गाइस तो वो मुझे कोई भी काम नहीं देती मेरे डायग्राम में। ठीक है, नाउ गाइस मैं सबसे पहले ट्राई करता हूं लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना। यहां पर लैंग्वेज है कि स्ट्रिंग विच कंटेन एटलीस्ट 10 विच कंटेन 0 नॉट एक्सेप्टेड बाय मेरा डीएफए। ठीक है, मीन्स अगर किसी स्ट्रिंग में एक तो भी जीरो आ रहा है तो वो
नॉट एक्सेप्टेड जा रहा है, मीन्स नॉन फाइनल स्टेट में जा रहा है, अगर एक भी जीरो आया तो फिर उसके बाद वो कभी एक्सेप्ट नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, अगर वन की स्ट्रिंग है तो ये वो एक्सेप्ट कर लेगा, मीन्स अगर स्ट्रिंग में जीरो आ रहा है तो वो नॉन एक्सेप्ट करेगा, मीन्स द स्ट्रिंग विच कंटेन ओनली वंस, यही इसका डेफिनेशन हो सकता है, यही इसकी लैंग्वेज हो सकती है। देख सकते हो आप, द स्ट्रिंग मिस्ट कंटेन ओनली वन, अगर एक भी जीरो आता है तो वो नॉन फाइनल में जा रहा है, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बिना बी के जो है वो एरो नहीं निकाले हैं, बी के एरो है जीरो एंड वन। यहां पे क्या बोला गया है, स्ट्रिंग मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन जीरो, ठीक है ना। यहां पर क्या बोला है, स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन जीरो। यहां पे क्या बोला गया है, स्ट्रिंग मस्ट कंटेन जीरो, देन ओनली वो फाइनल में जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी यहां पे जीरो नहीं चाहिए और यहां पे जीरो चाहिए चाहिए, देन ओनली मैं फाइनल पे जा सकता हूं। तो समझ में आ रहा है, ये दोनों जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। देखिए आप देख सकते हो ये डीएफए ही बन गया है, जीरो जीरो वन जीरो वन, ठीक है ना, ये डीएफए ही हो चुका है, ये अभी एनएफए नहीं रहा है। जैसे मैंने सी को मिटा दिया यहां से, ये डीएफए हो चुका है ना। यहां पे क्या हो रहा है, ये भी डीएफए ही है। अगर आप देखोगे तो ए है वन है और देन ए से जीरो निकला है, बी पे जा रहा है, देन बी है जीरो एंड वन है, मीन्स कोई भी एक्स्ट्रा एरो मेरे पास है नहीं, या एक्स्ट्रा ट्रांजिशन है नहीं, या कोई भी ट्रांजिशन मेरा मिसिंग नहीं है। यानी आप देख सकते हो ये सेम टू सेम इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। और जब भी मैंने डीएफए का कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है तो मेरा एक रूल बहुत क्लियर था, एल इंटरसेक्शन एल डैश गिव्स फाई, मीन्स दोनों में ऐसी कोई भी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए जो कॉमन हो, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई ये जो है फोर्थ नंबर, ये मेरा सेटिस्फाई हो जा रहा है इन दिस केस, ठीक है। तो देखिए आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरीके से मैं प्रॉब्लम्स को डील कर रहा हूं, ठीक है। गेट में जिस तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं इसी तरीके से इसको टफ बनाया जाता है, अननेसेसरीली आपको कोई भी स्टेट दी रहेगी जो कि सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करती है, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को आप लोगों को टैकल करना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन सी चीजें अननेसेसरीली दी गई है जिसका कोई भी यूज नहीं हो रहा है। अगर मैंने वो स्टेट रखी रहती यहाँ पे तो आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हो जाता था समझने में, बट वो स्टेट को मैंने जैसे रिमूव कर दिया क्योंकि वो यूजलेस स्टेट थी, इसलिए मैंने रिमूव कर दिया, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी जाएगी, ठीक है। नाउ गाइस, ये तो है इंटरसेक्शन, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। नाउ फिफ्थ वाला देखते हैं, एल इंटरसेक्शन एल डैश गिव्स सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार। तो गाइज ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अभी हमने देखा एल इंटरसेक्शन एल डैश फाई आ रहा है, तो एल इंटरसेक्शन एल डैश सिग्मा स्टार तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। That's why ये गलत हो जा रहा है। Then L union L dash gives phi, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो possible ही नहीं है, क्योंकि L अगर कुछ लैंग्वेज है और उसमें कुछ स्ट्रिंग्स आ रही है तो phi तो आ ही नहीं सकता है guys, ये unnecessarily कुछ भी दिया गया है तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ना ये दोनों लैंग्वेज में ऐसी तो स्ट्रिंग्स है ही जो कि मेरा फाइनल में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ये गलत है, ये कुछ काम का नहीं है। Now guys, L union L dash gives sigma star. Yeah. आप लोगों ने जब भी DFA का कॉम्प्लीमेंट देखा है, हमने DFA का किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसमें मैंने एक रूल देखा था कि यहाँ पे जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है, उसके अलावा सब कुछ हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है वही लैंग्वेज यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, उसके अलावा सब कुछ हो रहा है। अगर मैं दोनों का यूनियन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, दोनों का अगर मैं यूनियन लेता हूं तो मुझे यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है वो यहाँ पे नहीं हो रही है, और यहाँ पे जो एक्सेप्ट हो रही है वो यहाँ पे नहीं हो रही है, और डीएफए का ये रूल ही है कि अगर एल एल यूनियन एल डैश अगर मैं करता हूं तो मुझे सिग्मा स्टार मिलना ही चाहिए, देन ओनली मैं उसको बोलूंगा कि दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इच अदर, ठीक है ना। दैट्स वाई ये जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है रूल। अगर आप लोगों को ये स्टेट्स नहीं समझ रही है गाइस, तो मैं रिकमेंड करूंगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए के जो मेरे न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किए हैं प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स में, उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मैंने ये सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हैं और काफी डिटेल में डिस्कस किए हैं, और वहां पे आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से और भी मैं एनएफए के प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, आप देखते रहिए इस वीडियो सीरीज को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियोज को, एंड गाइज थैंक यू सो मच।